नमस्कार। आज कक्षा 6 के अध्याय 2 के बारे में अपने पढ़ेंगे, जिसमें है कि जो आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहले हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक मानव का जीवन कैसा था या प्रारंभिक इतिहास कैसा था, हजार वर्षों में क्या क्या हुआ था। अब देखते हैं कि आरंभिक मानव जो है वो अपना विकास किस प्रकार से करता है। जैसे कि क्या है, पहले आखेट संग्रह था उसका कार्य, उसके बाद भोजन उत्पादन तक वो पहुंचता था। इस बीच किन किन तकनीकों का वो आविष्कार करता है, क्या क्या उसके दैनिक कार्य थे, इसके बारे में अपने एक अध्याय 2 में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले अपने एक छोटी सी चीज़ जो पहले पिछले चैप्टर में रह गई थी और इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पढ़ लेते हैं। उस चैप्टर में मैं पढ़ा रहा था, एक तो होता है ईसवी सन, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है BCE और AD और CE। ये नाम जो है अपने इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं, इन नामों का क्या क्या अर्थ है वो इस चीज़ के में अपने पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो देखिए, ईसवी सन का मतलब है जो आज अपने साल चल रहा है 2020, तो ये 2000 सन क्या है, ईसवी सन है आज के समय की या इस साल की, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब है कि 2020 साल के पहले, क्योंकि हमारे इतिहास में जो मानक तिथि ली जाती है वो ईसा मसीह के जन्म के द्वारा, जो जन्म के दिन से जो कैलेंडर शुरू हुआ था उससे मानी जाती है। यानी ये पहला साल है जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है, उससे आगे बढ़ते बढ़ते 2020 आ गया आज। ये तो हो जाएगा आगे आता हुआ ईसवी सन, जो आज की ईसवी सन हो गई, ठीक है। लेकिन इस एक से पहले भी तो समय था, ईसा मसीह के जन्म से पहले भी लोग रहते थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले भी राजा थे, उनका भी इतिहास था। मानव जो आरंभिक मानव है, उस समय तो ईसा मसीह वगैरह कोई पैदा ही नहीं हुआ था, ठीक है। वो तो अपना जीवन सीधा यापन करते थे बिना किसी धर्म, बिना किसी कर्म कांड के। तो इस एक से पहले के इतिहास की तिथियों को पढ़ने के लिए अपने किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ईसा पूर्व का। यानी जैसे 321 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध का क्या बना था, शासक बना था 321 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब इसकी एक खास बात और है, जो ईसा पूर्व की जो सन चलेगी वो पीछे चलेगी, यानी 321 में राजा बना है तो उसके आगे वाला साल कौन सा आएगा, 320 आएगा। ईसा पूर्व में हमेशा साल क्या चलेगा, पीछे चलेगा, जबकि ईसवी सन में साल हमेशा कैसे चलेगा, आगे चलेगा। समझ में आया। सेकंड चीज़ क्या है, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट किसको बोलते हैं, ईसा मसीह को ही बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व दोनों एक ही शब्द है, ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, वही सेम बात, बिफोर क्राइस्ट वाली डेट में क्या चलेगा, समय पीछे की तरफ, यानी 321 के बाद 320, 320 के बाद 319, इस प्रकार से सन आएंगे। वो इतिहास के अपने उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से तो वो सीधा है, लेकिन अपनी जो स्थिति है, ये जो तिथि है, इसके अनुसार अपने क्या है, वो थोड़ा पीछे चलता है, यानी 321 के बाद 320, फिर 319, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं BCE यानी बिफोर कॉमन एरा कि जो अब का समय है उससे पहले का, यानी ये क्या है, ये जो साल है ये दोनों में कॉमन है, पीछे चलेंगे तब भी ये आएगी एक साल। तो मतलब मान लीजिए कि 10 ईसा पूर्व है, 10 ईसा पूर्व की कोई साल है, इससे चलते 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 एक साल आ गया, ठीक है, पहला साल आ गया, तो ये क्या है, कॉमन एरा हो गया ना, ये एक क्या हो गया, कॉमन एरा हो गया। इसके बाद क्या आया, 2,
तीन, और इधर भी इसके क्या था, दो तीन चार, लेकिन ये चल रहा था चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, तीन और एक, ठीक है, दो के बाद है एक, ये हो गया कॉमन एरा। दोनों में क्या है, ये पहली साल तो दोनों में ही कॉमन है, दो के बाद एक आया था और इधर एक के बाद दो आ रहा है। तो बिफोर कॉमन एरा का मतलब भी क्या हो गया, ईसा पूर्व। बिफोर कॉमन एरा का मतलब भी क्या हो गया, ईसा पूर्व। नेक्स्ट चीज है अपनी एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। ये भी, ये क्या बताता है भाई, ये बताता है कि जो अभी का समय है ना, इसका मतलब है जो एनो डोमिनी है, ये क्या है, लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, और इसका मतलब भी क्या होता है, जन्म के वर्ष से, जन्म के वर्ष से, एनो डोमिनी। यानी ईसा मसीह का जन्म क्या, इस एक पहले साल के दिन माना जाता है, ठीक है, और एनो डोमिनी वाली साल क्या कौन सी होगी, ईसा मसीह के जन्म से। यानी अभी अपने लिख सकते हैं कि वी आर लिविंग इन 2020 एडी, हम अब 2020 एडी में रह रहे हैं, यानी एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म से 2020 साल हो चुके हैं, उस साल में अपने रह रहे हैं। यानी एनो डोमिनी किसके सेम हो गया, ईसवी सन के सेम में, ठीक है, ईसवी सन 2020 है, एनो डोमिनी 2020 है, बीसीई बीसी ईसा पूर्व, ये तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। सीई कॉमन एरा, ये भी इसके सेम है, कॉमन एरा का मतलब अभी जो समय चल रहा है वो। तो कौन कौन से, एडी सीई और ईसवी सन, ईसवी सन, ये तो हैं तीनों सेम जो अभी के समय को बताएंगे, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बताने वाले कौन से हैं, बीसी बीसीई और ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ये तीनों बताएंगे ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और ये तीनों बताएंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। समझ में आई बात, तो अभी ये पीछे वाला चैप्टर अपना क्लियर होता है पूरा, उसको आप अपनी नोटबुक में पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, समझा मैंने दिया है, आप चैप्टर पढ़ोगे और सीधा बुक से निशान लगा के आप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सेकंड चैप्टर शुरू होता है अपना, क्या है चैप्टर का नाम, कि खेत संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अब प्रारंभिक जो मानव था उसको फसल उगाना नहीं आता था, उसको पिज़्ज़ा बर्गर बनाना नहीं आता था, उसको रोटियां पकाना नहीं आता था, तो वो क्या करता था, वो अपने जीवन जीने के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है, विज्ञान की पुस्तक वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरह हमें क्या है, खाने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए जिससे हमारा शरीर को ऊर्जा मिले, हमारा शरीर गति करे। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, जीवन जीने के लिए आरंभिक मानव जो था वो क्या करता था, आखेट करता था, शिकार करता था पशुओं का, जंगली जानवरों का, वो किसी भी प्रकार के हों, क्योंकि उस समय जंगली जंगल थे, चाहे गाय भी वहाँ रह रही है तो उसके लिए तो वो जंगली जानवर ही है, ठीक है, तो वो क्या करता था, शिकार करता था। थोड़े टाइम बाद में उसने सीखा उस शिकार को इकट्ठा करके रखना, क्योंकि शुरुआत में क्या है, वो शिकार कर लेता था, आखेट कर लेता था, और जितना खाया उतना खाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब कई बार ऐसा होता था, कुछ दिन ऐसे होते थे जिस दिन पशु ना मिला हो, शिकार नहीं हो पाया हो, ठीक है, तो उस दिन उसको भूखा रहना पड़ता था। अब उस भूख के कारण उसके दिमाग में बात आई कि अगर मैं वो जो बचा हुआ भोजन था, बचा हुआ मांस का जो टुकड़ा था जो मैंने शिकार किया था, वो अगर मैं उसी जगह फेंक नहीं आता, उसको मैं मेरे पास बचा के रख लेता, अगर मैं वो फल सब्जियां वगैरह जो हैं, फल फूल वगैरह जो हैं वो खाने थे मेरे को, मैंने इकट्ठा किए, मतलब तोड़े थे खाने के लिए, वो अगर मैं मेरे पास रख लेता तो उसको आज मेरे को भूखा नहीं रहना पड़ता। तो शिकार की पहले दिमाग में आ गई उसके कि शिकार करूँगा तब भोजन मिलेगा। जब भूखा रहा, किसी दिन शिकार नहीं मिला, तो उसको क्या है, संग्रह करना भी आया। क्या आया, संग्रह करना, यानी उसको इकट्ठा करना भी आ गया। अब वो क्या है, फल है फूल है जो उसके खाने के लिए पदार्थ थे, चाहे मांस है, वो क्या करके रखने लग गया, वो इकट्ठा करके रखने लग गया, उसको बचा के रखने लगा, ताकि अगले दिन अगर बाई चांस उसको खाना न मिले किसी प्रकार से, किसी कारणवश या बीमार हो गया, किसी दिन मौसम अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस स्थिति में उसको शिकार नहीं मिल पाया,
तब भी वो क्या है, अपने इकट्ठा किए हुए भोजन का क्या कर सकता था, उपयोग करके अपना पेट भर सकता था। से भोजन उत्पादन तक अब इकट्ठा करना सीख गया, लेकिन क्या है जो कच्चा माल मांस है उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां हुआ करती थी, और ज़्यादा दिक्कतें खाना वगैरह ढूंढने में होना हुआ करती थी। तो क्या है, भोजन का उत्पादन करना भी उसने सीखा धीरे धीरे, क्योंकि एक तो यह होता है कि अपने जाके ढूंढ ढूंढ के भोजन करें, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएँ, फिर तीसरे स्थान पर जाएँ, आगे से आगे बढ़ बढ़ कर क्या है भोजन को ढूंढना पड़े, और एक होता है कि अपने पास ही अपने भोजन को उगा ले, उत्पादन कर ले, जैसे अपने खेतों में उगाते हैं, और फिर उसको निकाल के अपने उपयोग में ले ले, तो ज़्यादा हमें भटकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दूरी लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, अपने घर बार जो भी चीज़ें हैं वो छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो इस स्थिति तक क्या है मानव पहुँचता है, जिसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इतिहास अपने क्या है इसे अध्याय में पढ़ेंगे। यानी आदि मानव जो था, पुराना जो मानव था, जिसको सिर्फ शिकार करना आता था, वो इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है कि वो भोजन उत्पादन तक करना सीख जाता है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट अपना आरंभिक मानव, जो पहला पॉइंट है वो क्या बताता है, आरंभिक मानव कैसा था, और इसके बारे में मैंने बता दिया कि आरंभिक मानव कैसा था, वो शिकार करके क्या है अपने जीवन को यापन किया करता था। लेकिन पहली बात कि आदि मानव जो था वो इतना घुमक्कड़ क्यों था, घूमते क्यों थे वो उधर उधर, घुमक्कड़ जीवन क्यों व्यतीत करते थे। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि घुमक्कड़ जीवन जीते थे वो, क्योंकि हर जगह उनको क्या है अपने पसंद के फल फूल या पौधे पत्तियां वगैरह जो भी है, मछलियां हैं या शिकार, जो जिन जानवरों को वह शिकार करके खाते थे वो मिल नहीं पाते थे। तो इसके पीछे भी कई कारण हैं कि वो घुमक्कड़ हुआ करते थे। बुक के अकॉर्डिंग है आपके चार कारण हैं, बुक के अकॉर्डिंग क्या है आपके चार कारण आते हैं। पहला कारण आता है कि वो क्या है, जो एक स्थान पर जहाँ रहते थे, मान लीजिए उन्होंने कोई गुफा देख ली, वहाँ वो रहते थे, उस गुफा में वो रहे, उसके आसपास, ये उनकी गुफा हो गई, ठीक है, ये गुफा के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, जानवर थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ जानवर छोड़कर दूसरी जगह चले गए, जानवर भी क्या है उस आदि मानव के जैसे ही जानवर थे, वो एक जानवर की तरह जीता था, तो जानवर भी अपने भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाते थे, तो कुछ जानवर तो दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरी बात, वो इतनी ज़्यादा संख्या में आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, ठीक है, तो वो लगातार उसको खाते थे और वहाँ का जो भोजन होता था वो नष्ट हो जाता था, यानी पूरा समाप्त हो जाता था। अब मान लीजिए एक जगह की सारी चीज़ें उन्होंने खा ली, दोबारा वो चीज़ें उत्पादन होने में तो समय लगेगा, तो उतने समय तक क्या ये भूखे रहेंगे, इसलिए वो क्या करते थे, वो चले जाते थे, अपना स्थान छोड़कर क्या हो जाते थे, दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण, जब वो शिकार ढूंढने के लिए जाते थे तो जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जानवर जो है वो भी क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो जानवरों के पीछे पीछे वो क्या करते थे, अपना शिकार ढूंढने के चक्कर में वो भी वहाँ उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने शिकार का पीछा करते हुए वो चले जाते थे। ये हो गए दो कारण, पहला कि भोजन समाप्त हो गया तो दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरा भोजन की तलाश में या अपने शिकार का पीछा करते हुए वो क्या जा रहे हैं, दूसरे कारण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये तो हो गए दो कारण। तीसरा कारण हो गया कि अब देखो कोई भी भोजन है वो ऐसा तो है नहीं साल के पूरे समय तक लगता है, गेहूं का उत्पादन अलग समय में होता है, तो मूंगफली का उत्पादन अलग समय में, ठीक है, सरसों का उत्पादन अलग समय में होता है, तो इस प्रकार से खाने की जो चीज़ें थी वो अलग अलग समय में लगती हैं। आम किसी और सीज़न में, गर्मी के सीज़न में आते हैं, तो सेब सर्दी के सीज़न में मिलते हैं, अभी तो अपने पूरे साल मिल सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ी ना होता था ऐसा, स्टोर करके थोड़ी ना रख सकते थे, उनके पास थोड़ी ना फ्रीज़र वगैरह हुआ करते थे। तो तीसरा कारण हो गया कि वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए चले जाते थे क्योंकि एक मौसम में क्या है वहाँ पर वो क्या है भोजन समाप्त हो जाता था, फसलें समाप्त हो जाती थी, फल फूल लगने वहाँ बंद हो जाते थे, तो वो एक मौसम के बाद दूसरे मौसम के अनुसार दूसरे जगह क्या है फल फूल ढूंढने के लिए चले जाते थे।
जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा सर्दी हो रही है तो वो गर्म इलाकों की तरफ आ जाते थे जहाँ उनको वनस्पति मिल सके, ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है तो ठंडे इलाकों की तरफ चले जाते थे जहाँ उनको वनस्पति मिल सके। तो इसके कारण तीसरा कारण ये हो गया कि फसल या जो फल फूल हैं उनका भोजन जो है वो मौसम के अनुसार उनको नहीं मिल पाता था तो वो चले जाते थे। तीसरा कारण होता है कि जो प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं वो एक स्थान पर बिना पानी के क्या है, जिंदा नहीं रह सकते। चौथा कारण क्या हो गया, पानी। पहला समाप्त हो जाना भोजन का, दूसरा भोजन का पीछा करना, तीसरा फसल ऋतु चक्कर, यानी फसल अलग अलग समय में रहती थी, ठीक है, फसल ऋतु चक्कर हो गया, ये तीसरा कारण हो गया, और चौथा कारण हो गया पानी। अब देखो भी कई स्थानों पर पानी की बाढ़ आ जाने के कारण या अकाल पड़ने के कारण, सूखा पड़ने के कारण वहाँ वनस्पति भी नहीं होगी और बिना पानी के वो जिंदा भी नहीं रह सकते, तो वो ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहाँ पानी हो। कौन सी जगह ढूंढा करते थे, जहाँ पानी हो वो ऐसी जगह ढूंढा करते थे। यानी चौथा कारण क्या है उनके घुमक्कड़ होने का, वो है पानी। आज अपने पाइपलाइन के द्वारा क्या है, पानी अपने घर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस समय पाइपलाइन का सिस्टम नहीं था, उस समय टैंकर नहीं हुआ करते थे जो अपने घर पे पानी लाकर जोड़ दे। आज भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, हालाँकि उस समय पानी बहुत ज़्यादा था लेकिन फिर भी उनको क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था पानी के लिए। तो पहला कि भोजन समाप्त हो जाने के कारण, भोजन के समाप्त हो जाने के कारण, भोजन समाप्त होने के कारण। दूसरा कारण शिकार की तलाश में, शिकार की तलाश में। तीसरा कारण हो गया फसल ऋतु चक्कर, और चौथा कारण हो गया पानी का। तो इन चार कारणों के कारण उनका जीवन क्या था, घुमक्कड़ जीवन था आरंभिक मानव का। उनको घूम घूम कर क्या है, अपने जीवन यापन का कार्य करना पड़ता था। आज जितनी साधारण या सुखी जीवन है उनके पास नहीं था। आज अपने स्टोर करके रख सकते हैं, वाटर बोतल में भी पानी रख सकते हैं, या अपने पास बहुत सी चीज़ें हैं, टंकियां हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइन का सिस्टम है, डैम बना लेते हैं अपने पानी के लिए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये चार कारण देखे अपने कि उनका जीवन घुमक्कड़ क्यों था। अब देखते हैं कि उस आदि मानव के बारे में जानने के लिए स्रोत क्या क्या मिलते हैं। कि भाई राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका तो महल बनाया हुआ है, उनके बड़े बड़े कार्य करवाए हुए हैं, अभिलेख लिखवा दिए उन्होंने, उनके बारे में पता चल जाता है। ये आदि मानव थे, इन्होंने तो क्या है, इनको कोई महल बनाना आता ना था, या कोई इस प्रकार की इन्होंने स्मृतियाँ बनानी इनको थोड़ी ना आती थी कि भी हम स्मृति बना देंगे तो बाद में लोग याद करेंगे, ऐसा सोचने वाला इनका विकसित दिमाग थोड़ी ना था। दिमाग तो अभी विकसित होना बाकी था मनुष्य का। तो आरंभिक जीवन के बारे में, इनके आरंभिक जीवन के बारे में जानने के स्रोत क्या क्या हैं वो देखिए। पुरातत्वविद जो है वो इनके जीवन को जानने के लिए क्या है, औजारों के आधार पर इनका निश्चय करते थे कि औजार किस प्रकार के यूज कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समय में क्या है, अलग अलग प्रकार के औजार इस्तेमाल किए जाते थे उनके द्वारा। जैसे पत्थरों के औजार, लकड़ियों के लिए बनाए हुए औजार, या फिर जिस जानवर को मारा है उससे मान लीजिए कोई नुकीली हड्डी निकली है और है उनके औजार, या बाद में क्या है जो पत्थर है उसके औजार के का इस्तेमाल फेंक कर करने के लिए, या पकड़ के उसको मारने के लिए, या कई औजार क्या है फल फूल काटने के लिए काम में आते थे, जो फल है उनको काटने के लिए तोड़ने के लिए काम में लेते थे। कई औजार है वो मांस को काटने के लिए काम में आते थे। कई औजार है वो चमड़ी, जो जानवर की चमड़ी है उसके लिए काम में आते थे, कि जानवर की जो खाल है उसको उतारा जाए किसी तरह से, तो इनका इस्तेमाल किया जाता था।